अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी गेमिंग भी कराए और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि वो लंबे समय तक चले, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Acer Predator Helios 300 की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग लैपटॉप से 2017 एंड 2018 का, और 2019 में Acer Predator Helios 300 के नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। US में हो चुके हैं, इंडिया में धीरे धीरे करके लॉन्च हो रहे हैं, और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जो कि अभी Flipkart पे अराउंड 1,10,000 से ऊपर मिल रहा है। लेकिन अगर आप Acer Predator Helios 300 के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि Acer Predator Helios 300 को खरीदने का बेस्ट टाइम है सेल के दौरान, और सेल के दौरान यही वाला लैपटॉप आपको 1,00,000 से कम में मिल सकता है। अभी अगर आपका इतना बजट नहीं है और आप कोई ऐसा लैपटॉप देख रहे हैं जो कि 70,000 से कम में आपको मिल जाए, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर कार्ड्स में भी आ रहा है, वहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। इस लैपटॉप में आपको मिलता है i7 9th generation प्रोसेसर, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से, और यह i7 9750H प्रोसेसर। ये 6 कोर का प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है 4.5 GHz की है, और पिछले साल थी वो 4.1 GHz थी, तो प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और फास्ट भी हो गया है। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, सीधी सी बात है, गेमिंग के लिए। ग्राफिक कार्ड में आपको मिलता है एनवीडिया की तरफ से आने वाला नया GTX 1660 Ti। जी हाँ, 6 GB की VRAM है, GDDR6 टाइप की है, GDDR5 नहीं जो कि पिछले साल आती थी पुरानी वाली, अब GDDR6 टाइप की VRAM मिल रही है आपको, और ये पुराने GTX 1060 से तो बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस कराएगा, बहुत ही अच्छी गेमिंग कराएगा। रैम में आपको मिलती है 16 GB की सिंगल चैनल रैम मिल रही है, DDR4 2666 MHz की, और ये सिंगल चैनल है। अगर डुअल चैनल होती, यानी कि अगर दो दो स्लॉट में 8-8 GB की रैम लगी होती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये अभी एक ही स्लॉट में 16 GB की रैम लगी, वो भी ठीक है चलो, और दूसरा स्लॉट खाली है और उसमें आप एक और 16 GB की रैम लगा सकते हैं ताकि ये 32 GB तक अपग्रेड हो सकती है। इसमें आपको मिलती है 1 TB की हार्ड ड्राइव, और इस बार सुनने में आ रहा है कि ये 7200 RPM की है। देखो वैसे जो 7200 RPM है, ये मैंने Flipkart पे पढ़ा था, अब मुझे सही बताऊँ तो खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा कि 7200 RPM की HDD कोई दे रहा है गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स में देखा है 7200 RPM की नहीं देते, वो पुरानी और स्लो 5400 RPM वाली देते हैं। फिर भी जैसे ही मेरे को कुछ पता लगेगा मैं नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको भी कुछ पता है इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन Flipkart पे तो अभी 7200 RPM लिखा हुआ है, और अगर ये है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फास्ट होने वाला है आपका ये लैपटॉप। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है 256 GB की NVMe SSD, जिस पे आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। पोर्ट्स में आपको मिलते हैं 3 USB के 3.0 पोर्ट्स, 1 USB का Type-C पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट। Flipkart पे थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है पोर्ट्स के मामले में, उसमें दे रखा है कि USB 2.0 पोर्ट्स मिल रहे हैं वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसमें 3 USB 3.0 के पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो आप Flipkart के ऊपर पूरी तरह से मत रिलाय कीजिएगा, वो कभी कभार गलती कर देता है। इसकी जो स्क्रीन है वो है 15.6 inches की फुल HD की स्क्रीन है, और इसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, मतलब गेमिंग तो गेमिंग, लेकिन आप साथ में अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर फोटो एडिटिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, यानी कलर ग्रेडिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसकी जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन की वो है 144 Hz, सीरियसली 144 Hz की रिफ्रेश रेट है। और अगर आप कोई मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं लाइक PUBG PC, PUBG Lite वगैरह, PUBG Lite तो पता नहीं क्या 300-400 FPS निकाल देगा इस सिस्टम पे, लेकिन अगर आप PUBG PC खेलते हैं, Battlefield 5 खेलते हैं, Fortnite वगैरह खेलते हैं, एमुलेटर तो नहीं खेलते ना, हाँ, तो इन सब में आपको 144 Hz की स्क्रीन पे खेलने में जो मज़ा आएगा ना, वो मैं बता नहीं सकता, वो आपको सही में एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा, इतना स्मूथ इतना शार्प गेम होगा मैं क्या बताऊँ। और इसका जो डिज़ाइन है लैपटॉप का वो भी अपग्रेड किया गया है, चेंज किया गया है, अब पहले जो आते थे ना पुराने डिज़ाइन आते थे रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन, वो हटा दिए गए हैं, अब जो नया डिज़ाइन आया है ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और इस नए डिज़ाइन के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की, तो ट्रैक पैड को तो इम्प्रूव किया गया है पिछली बार से, लेकिन कीबोर्ड सेम है, और सेम में भी पिछला वाला कीबोर्ड भी अच्छा था और ये भी कीबोर्ड अच्छा ही है,
जो चेंज किया गया है कि अब इसमें आपको 4 zone RGB मिलती है, यानी अलग अलग कलर्स की इसमें RGB मिल रही है ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप्स में, जो कि इससे थोड़े सस्ते आते हैं या फिर जो पिछले साल आते थे उसमें आपको सिंगल कलर की RGB मिलती थी, जैसे कि रेड, और रेड ही मिलती थी सब में, एसर प्रेडेटर का कोई हो, एसर नाइट्रो का कोई हो या फिर एसुस का कोई हो। लेकिन अब जो आपको 4 zone RGB मिल रही है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी अगर आप RGB के फैन है मेरी तरह तो। अब किसी भी गेमिंग लैपटॉप में परफॉर्मेंस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके थर्मल्स, और थर्मल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स हीट बहुत करते हैं। लेकिन इस लैपटॉप में एसर ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है थर्मल्स के ऊपर, जिसमें कि जो फ़ैन की टेक्नोलॉजी है उसे इम्प्रूव किया गया है, और साथ ही साथ मतलब ये बात तो मैं हैरान हो गया था सुन के, वो आपको पहले से ही ये अंडर वोल्ट करके दे रहे हैं। अब मैं पूरा तो समझाऊंगा नहीं अंडर वोल्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई CPU को अंडर वोल्ट करता है तो उससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है और हीट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब 5-6-7 degrees का फ़र्क आ जाता है हीटिंग में। तो जो अंडर वोल्टिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये एसर पहले से खुद करके दे रहा है। इसमें इंटेल XGU आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा और इसमें -125 mV का अंडर वोल्ट पहले से ही है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और बहुत से रिव्यूअर्स और बहुत सी वेबसाइट ब्लॉगर्स भी ये कह रहे हैं कि इस लैपटॉप का जो थर्मल पेस्ट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब हम कहते हैं अक्सर कि जो गेमिंग लैपटॉप के जो थर्मल पेस्ट होते हैं वो अच्छे नहीं होते, अच्छा यही रहता है कि जब आप एक गेमिंग लैपटॉप लो तो अपने CPU GPU को रीपेस्ट करा लो तो बेटर आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि वो पहले से ही अच्छा लगा के दिया है उन्होंने थर्मल पेस्ट, क्योंकि इसके थर्मल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं किसी भी और लैपटॉप से, और इन्हीं बेटर थर्मल्स की वजह से अगर आप इस लैपटॉप को कोई और GTX 1660 Ti वाले लैपटॉप से कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। जी हाँ, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर FPS मिलेगी आपको। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है आपको, और अगर आप कोई मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं, मैंने बताया PUBG, PC, Battlefield वगैरह, तो आपको हाई सेटिंग्स पे 100+ FPS मिलेगी इस पे, और 144Hz की स्क्रीन है तो आपके मज़े अलग होंगे इसको खेलने वाले। लेकिन जो पुराने AAA गेम्स हैं GTA 5, Assassin's Creed वगैरह, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देंगे इस पे। मतलब इसमें आपको 70-80 FPS मिल जाएगी पुराने AAA गेम्स पे, अगर आप उन पे हाई या थोड़े हाई से भी ऊपर वाली सेटिंग्स पे खेलते हैं। लेकिन जो नए नए AAA गेम्स हैं, जैसे कि अभी मेट्रो एक्सोडस आया है, प्लेक टेल ऑफ इनोसेंस है, और भी बहुत से नए नए AAA गेम्स आए हैं, DMC वगैरह, बेसिकली हैवी गेम्स हैं, तो उसमें अगर आप हाई सेटिंग्स पे खेलेंगे तो आपको 60-70 FPS ही मिलेगा। और मैं सही बताऊँ तो किसी भी रोल प्लेइंग गेम के लिए 60 FPS इनफ होता है यार। फिर भी अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा रोकड़ा है तो भैया और महंगे लैपटॉप पे आप जा सकते हो जिनमें RTX 2060 RTX 2070 लगे हो, और उनमें आपको और भी ज़्यादा FPS मिल जाएंगे। इस लैपटॉप में आपको प्रेडेटर सेंस ऐप मिलती है, और प्रेडेटर सेंस ऐप को तो कौन नहीं जानता। आप प्रेडेटर सेंस ऐप की मदद से अपने CPU GPU को ओवरक्लॉक कर सकते हो, RGB को कंट्रोल कर सकते हो, और फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। और फैन स्पीड से मेरे को एक और चीज़ याद आई, इस लैपटॉप की फ़ैन नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, उसका रीज़न भी है क्योंकि इस लैपटॉप को पिछली बार से थोड़ा सा थिन कर दिया गया, थोड़ा सा पतला कर दिया गया है, तो इसलिए हीट कम जनरेट हो, इसलिए फ़ैन नॉइज़ जो है वो ज़्यादा है बेसिकली इस लैपटॉप में। तो भाई सीधी बात है, अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको हेडफोन तो लगाने ही पड़ेंगे। और उसी में ही बात कर लूँ मैं स्पीकर्स की, तो स्पीकर किसी भी लैपटॉप के ज़्यादा अच्छे नहीं होते, थोड़े बहुत ठीक होते हैं। हर लैपटॉप में जो स्पीकर्स की जो डायरेक्शन होती है ना वो नीचे को फेस करनी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाउडनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और बेस तो आपको पता नहीं लगेगा है या नहीं है, तो आपको हेडफोन ही लगाने पड़ेंगे, और ये हर लैपटॉप का केस है, तो आपको हेडफोन लगा के ही गेमिंग करनी है। अब बात आती है कि आपको ये लैपटॉप लेना है या नहीं लेना। अगर आपके पास इतना रोकड़ा है तो मेरी ये 100% रिकमेंडेशन है, आपको ये लैपटॉप ज़रूर लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा अगर आप सेल के टाइम पे लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है सेल के टाइम पे, आपको 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो सकता है। और अब बात आती है कि क्या ये बेस्ट लैपटॉप है अपने प्राइस रेंज का। देखो, उसको मैंने अभी तक कंपेयर किया नहीं है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और इसका जो डायरेक्ट कंपेटिटर है, जो सबसे क्लोज वाला कंपेटिटर है, वो है नया ऐसे उसका ROG Zephyrus MGU502। ये इसका नियरेस्ट कंपेटिटर है, क्योंकि इसमें भी GTX 1660 Ti और i7 प्रोसेसर है, तो मैं इससे ज़रूर कंपेयर करूंगा इस लैपटॉप को, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। करंटली फ्लिपकार्ट पे इस लैपटॉप के दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, i7 9th generation के साथ और i5 9th generation के साथ। दोनों के स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसके और भी नए नए मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, कुछ कुछ लोअर एंड होंगे, कुछ कुछ हायर एंड मॉडल्स होंगे। जो बजट सेक्शन है उसके लिए नए नए मॉडल्स आएंगे, जिसमें कि GTX 1650 और i5 9th generation लगा होगा, और कुछ नए मॉडल्स में कह रहे हैं कि RTX 2060 और इवन RTX 2070 Max Q भी लगा होगा। जो इसका हाइएस्ट एंड वाला मॉडल है, जिसमें कि i7 9th generation और RTX 2070 लगा होगा, वो उसकी कीमत अराउंड 1.25 lakh के आसपास होगी इंडिया में जब वो आएगा, और ये बहुत जल्दी आएंगे, और
जब भी ये आते हैं मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें, और इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एक नया गेमिंग लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।